निशा और करण के विवाद पे चाहत खन्ना का रिएक्शन। टीवी कपल करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी में छिड़े विवाद की खबरें बीते कई दिनों से अब सुर्खियों में छाई हुई हैं। दोनों की टूटी शादी का झगड़ा पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे पे कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसी बीच कई टीवी सेलेब्स भी पूरे मामले पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने भी करण मेहरा और निशा रावल के झगड़े पे रिएक्शन दिया है। चाहत का कहना है कि निशा रावल की हालत देख उन्हें अपना टाइम याद आ गया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने करण और निशा को हिदायत भी दी। चाहत खन्ना ने एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पे रिएक्ट करते हुए कहा, मैं सहम गई थी। इस इंसिडेंट ने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद वापस दिला दी। मैं काफी परेशान हो गई, लेकिन मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि घर की बातें आपको पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, ये सही नहीं है। उन्हें मीडिया में इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, इसका कोई मतलब नहीं। मैं इसे सपोर्ट नहीं करती, मैं ये कहने वाली कोई नहीं होती, लेकिन पब्लिक में आकर अफेयर्स की बात करना सही नहीं है। बता दें कि चाहत खन्ना भी टूटी शादी का दर्द झेल चुकी है। चाहत खन्ना ने फरहान मिर्जा के साथ दूसरी शादी की थी। दोनों ने 2013 में शादी की। इस शादी से चाहत की दो बेटियां जोहर और अमायरा हैं। लेकिन 2018 में चाहत ने फरहान से तलाक ले लिया था। करण और निशा की कंट्रोवर्सी को लेकर चाहत से पहले राखी सावंत भी रिएक्शन दे चुकी हैं। राखी सावंत ने इस मामले में कहा था कि वो पिछले कई सालों से इस जोड़ी को जानती हैं, वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। राखी ने बताया कि मैंने कई बार निशा रावल को करवा चौथ का व्रत रखते खुद देखा है। निशा ने कई बार मेरे हाथों से मेहंदी लगवाई है, लेकिन अब मेरा प्यार और शादी से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। निशा को पीटा भी बहुत गया है, मैंने तस्वीरों में देखा उसे बहुत खून निकल रहा था। इस जोड़ी के बारे में ये सब जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। पहले ऐसी ही और कई प्रतिक्रियाएं बॉलीवुड सेलेब्स ने हमारे साथ साझा की हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका ये मामला सुलझ जाए और पब्लिक की नज़रों से दूर हो जाए। और इसी के साथ स्टोरी में बस इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे बॉलीवुड और टीवी जगत की खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।